तो जय हिंद दोस्तों, सीआई से ब्रिट्समैन की भर्ती आई हुई थी ऑल ओवर इंडिया के लिए। दोस्तों इसके फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं और इसके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फिजिकल में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएं, उसकी ए टू जेड पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फिगर ही क्या है बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चल रहे हैं आपके साथ। तो आप सबको पता है सीआईएसएफ ब्रिट्समैन की दोस्तों जो फिजिकल होने वाला था उसमें सबसे बड़ा अड़चन आ रहा था कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 वालों का आपका एग्जाम होना था 10 तारीख से, लेकिन दोस्तों सीआईएसएफ ने उसे पोस्टपोन कर दिया। कल रात को एक नोटिस आया था जिस नोटिस में यह बताया गया कि आपके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 वालों के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि अब सीआईएसएफ बोल रहे हैं कि अब जो भी होने वाला है वो भाई सीआईएसएफ ब्रिट्समैन वालों का फिजिकल होगा। अभी सीआईएसएफ के पास और कोई शेड्यूल नहीं है, सेंटर वगैरह सब कुछ सेट करके रख दिया गया है। अब दोस्तों आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे बहुत ही जल्दी और कब से होने वाले उसकी जानकारी दूंगा और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग तैयार हो जाओ। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल में आपके क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा हाइट मेजरमेंट। अगर आप जनरल कैटेगरी से होते 170 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगेगा। रनिंग दोस्तों आपके 1600 मीटर होने वाले हैं। टाइम दोस्तों बहुत ही अच्छा दिया गया है, 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। मिनिमम दोस्तों आराम से एक बच्चा जो नॉर्मल प्रैक्टिस करता होगा आराम से रनिंग क्वालिफाई कर देगा। तो रनिंग के लिए तैयार हो जाओ, ज्यादा टाइम तो और बचा नहीं है आपके पास। ले देखे दोस्तों आपके पास 12 दिन या 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन भी दोस्तों नहीं बचा हुआ, तो बहुत ही कम टाइम आपके सामने बचा हुआ है। तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लो। बात करते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप 10th सर्टिफिकेट अपना ओरिजिनल लेके जाना है, आपने दोस्तों आईटीआई अगर कुछ डाला है वहां पे तो वो भी आपको ओरिजिनल वहां पे लेके जाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी दोस्तों एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनको दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो मतलब सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि आप सबको बता दूं जो भी दोस्तों आपके सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है, ठीक है, चाहे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सब सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें दोस्तों आपके स्टेट लेवल के दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किए जाते, बहुत पहले से ही है, तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना। ये कहां से बनता है दोस्तों, अपने तहसील ऑफिस से बन जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अपने एरिया के तहसील ऑफिस में आप चल जाना, आराम से दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बनवा सकते हो वहां से, वो भी दोस्तों सेंट्रल फॉर्मेट के। अब बात करते हैं आपके फिजिकल। तो मैं बता दूं मार्च के लास्ट से दोस्तों आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं सीआईएसएफ ब्रिट्समैन के, और एडमिट कार्ड दोस्तों 10 से लेके 15 तारीख 10 तारीख या 15 तारीख के अंदर दोस्तों कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा और एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द आपके सीआईएसएफ ब्रिट्समैन वाले आपको नोटिस भी जारी कर देंगे और आपके फिजिकल दोस्तों मार्च लास्ट से स्टार्ट होने वाले, तब तैयार हो जाओ फिजिकल के लिए। 1600 मीटर का रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, और एक चीज याद रखना जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो ये मौका फिर आपके पास बार बार नहीं आएगा। और देखिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, मैं बताऊं तो वैकेंसी की, तो वैकेंसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हर दोस्तों टाइप की कुक बार बार स्वीपर सबकी वैकेंसी निकली हुई थी, आप सबको पता है, तो ये दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी है। अब इसमें सिलेक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल तैयार करना पड़ेगा अपना। फिजिकल के लिए दोस्तों बता दूं अगर आपने अभी तक फिजिकली तैयारी नहीं की है तो अभी घर से निकलो भाई, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 15 से 20 दिन बचा हुआ, आराम से अपने फिजिकल को तगड़ा करो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। अगर आप अपने आप को रगड़ा नहीं दोगे तो तगड़ा नहीं हो पाओगे। एक चीज याद रखना, कोई भी भर्ती हो, चाहे सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, कोई भर्ती हो, देखिए भाई भर्ती देने हर कोई जाता है लेकिन सिलेक्शन हर कोई लेके नहीं आता है। ऐसा होता है जहां हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होते हैं ना, वहां से भी भाई नहीं भी तो 50 बच्चे या 30 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक चीज याद रखना, अपने आप को हमेशा स्वस्थ और बेस्ट साबित करने की तैयारी में रखना। कोई भी भर्ती देने जा रहा हो भाई, पैसा खर्चा हो रहा है ना, बिना प्रैक्टिस से क्यों जाओगे, पैसा आप खर्चा कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करके जाओ, रनिंग और फिजिकल आराम से क्वालिफाई करो और उसके बाद इसके रिटर्न की तैयारी में लग जाओ। एक चीज याद रखना, एग्जाम भाई जो आपके डिफेंस वाले होते हैं ये 3 टाइप से ही आपके एग्जाम की तैयारी होती है, एक फिजिकल लेवल पे, एक दोस्तों आपके रिटर्न लेवल पे, और दूसरा दोस्तों आपके मेडिकल लेवल पे। ये 3 चीज अगर आपने पार कर लिया तो भाई इसके जैसी जॉब और कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। इसमें दोस्तों जॉब प्रोफाइल से लेकर पैसा से लेकर इज्जत तक हर चीज मिलता है, लेकिन वो सब पाने के लिए हमें पहले करना पड़ता है मेहनत, और मेहनत में दोस्तों थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों कोई भी कुछ भी बोले आपको, कोई आपको मोटिवेट करे, कोई आपको डीमोटिवेट करे, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप फिजिकल प्रिपरेशन करते हो तो अपना 100% देने की कोशिश करना। और दोस्तों 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड के एक सफिशियंट टाइम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर विदाउट प्रैक्टिस आज भी आप जाके देख लो, 1600 मीटर आप जब दौड़ने जाओगे 6 मिनट 30 सेकंड बिना प्रैक्टिस के, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया 6 महीने के, आपका सर घूमने लगेगा। ये दोस्तों रियलिटी होती है, इसीलिए अपना 100% दो और देन दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई करके आओ। मार्च लास्ट से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे सीआईएसएफ ब्रिट्समैन के, तो अपने आप को पूरा तैयार करके जाओ, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। एडमिट कार्ड दोस्तों मेरे ख्याल से 15 तारीख से लेके दोस्तों आपके 16-17 तारीख तक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा सीआईएसएफ ब्रिट्समैन का। और आपके बीच में अगर और कुछ भी नहीं आता है, और कुछ आने वाले भी नहीं है दोस्तों, जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम था उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया, तो आपके जो भी होने वाले हैं डायरेक्ट दोस्तों आपके फिजिकल होंगे, तो अपने आपको तैयार कर लो और अपना बेस्ट देके आओ सीआईएसएफ आपके ट्रेड्समैन
बैट्समैन में, और दोस्तों आपके पास सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। अब एक्सक्यूज मत देना कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया वो प्रॉब्लम हो गया, नहीं, अब बस हमारा लक्ष्य दिख रहा है और हम है, ठीक है, हमें नौकरी लेना है तो लेना है, अपना बेस्ट देके आना है वहां पे, अपना 100%। कल को भाई तुम अगर फेल भी हो जाओ, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओ या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कल को तुम्हारे अंदर ये गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, अगर मैंने थोड़ा और मेहनत किया होता तो भाई ये आराम से मैं सिलेक्शन ले आता, तो वो गिल्ट ना फील हो। बस मैं यही चाहता हूं, अपना 100% देना है, कोई भी भर्ती में जाओ, चाहे सीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में जाओ, चाहे एसएसजीडी के फिजिकल में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अपना 100% देके आओ। बस मैं यही चाहता हूं कि जब भी जाओ तो आपको पूरा मन में यकीन हो कि मैं जाऊंगा तो आराम से दौड़ लूंगा, मैं जाऊंगा तो फिजिकल कर लूंगा, मैं जाऊंगा तो डॉक्यूमेंट भी नहीं कटने वाला, मैंने अपने पहले ही मेहनत करके सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। तो पहले से तैयार रहो, और एक चीज याद रखना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दो या फिर जाने दो, ये सब थ्योरी पे काम करोगे तो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगे, और असफलता आएगी भी ना तो आपको एक तरह से प्राउड फील होगा कि मैंने अपना 100% दिया था, अब ये मेरे किस्मत में नहीं था या मेरे भाग्य का कोई दोस्त था वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया था। एक चीज याद रखना, जब हमारे देश का राहुल गांधी एक नेता है, याद रखना कितनी बार हार चुका है, इस बार बार इलेक्शन में हार रहे हैं, फिर लड़ने को तैयार है, बार बार हार रहे, गिर रहे, उठ रहे, वो जब सारा लड़ने को तैयार है इतना फेल होने के बाद भी, तो हम तो स्टूडेंट है यार, ना हमारा बाप, ना हमारे पापा कोई राजा महाराजा थे, ना हम कोई प्रधानमंत्री या क्या बोलते राष्ट्रपति की संतान है, हम तो कुछ भी नहीं, तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से। जब वो लोग हार मानने को तैयार नहीं है तो फिर हम अपने लाइफ में क्यों हार माने, हमें भी लड़ते रहना है अपने लाइफ में और अपने सक्सेस को हासिल करना है। कोई बात नहीं, एक दो बार असफलता आएगी, ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो क्यों गलती हुई है, और देखो और दोस्तों इसे सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जयजयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने लाइफ में कोशिश करते रहो, आपकी हार कभी भी नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, मार्च लास्ट तक फिर स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो अपने आप को तगड़ा करो और तैयार करो। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।